गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय वाचिंग प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी अभी न्यू मॉम बनी हैं, आपको अपने बच्चे के कपड़े ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, मींस आपने एक कपड़ा निकाला और सारे के सारे कपड़े फैल गए, या फिर इतने सारे कपड़ों में से आप अपने बच्चे के कपड़े ढूंढ ही नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या एक ईजी वे हो सकता है जिसमें आप अपने बच्चे के कपड़े आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टाइम भी आपका बचेगा, स्पेस भी आपका बचेगा और हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज दिखाई देगी। ये कुछ टिप्स मैं फॉलो करती हूँ। ये आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के क्लोथ्स किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। बाकी मैं अपने और अपने हस्बैंड के क्लोथ्स भी कुछ इसी तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो कभी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि बच्चों के कपड़े किस तरह से ऑर्गेनाइज करें ताकि वो ऑर्गेनाइज भी दिखाई दें और हमको ईजिली एक्सेसिबल हो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। साथ ही मैं शेयर कर रही हूँ बेबी फूड रेसिपीज भी। अगर आपको नीड है तो आप प्लीज़ वो बेबी फूड रेसिपीज भी जरूर फॉलो कीजिए। बहुत ही ईजी हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, बिकॉज मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ, तो आप बेझिझक होकर अपने बच्चे को खिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जब वो बहुत छोटे होते हैं, तो एक तो आफ्टर डिलीवरी हम लोग को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे को भी देखना है और साथ में ये सब चीज़ें भी मैनेज करनी हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, जो मेरी बेटी है राव्या, ये अभी 7 मंथ्स की हो चुकी है। 7 मंथ्स की जब ये थी तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को मैं बता देती हूँ कि मैं किस तरह से इसके सारे कपड़े मैनेज करती हूँ, ताकि वो मेरे को इजीली मिल भी जाए, इजीली एक्सेसिबल हों और मेरा घर फैला हुआ भी ना लगे और जो मेरी अलमीरा है वो भी हमेशा सेट दिखाई दे। तो मैं क्या करती थी जनरली, जैसे जब इसके सारे कपड़े जो मैं वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद जब सूख जाते हैं तो उसको एक तरफ इकट्ठा कर देती हूँ। और ये अभी एक्चुअली 2 डेज़ के कपड़े हैं, क्योंकि बहुत बार टाइम नहीं मिलता है, तो 2 दिन के इकट्ठे करने के बाद इस तरह मैं राव्या को लिटा देती थी अपने पास, ताकि बच्चे को भी अकेला फील ना हो, और फिर उसके बाद मैं इन सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेती थी। तो पहले आप जितने भी आपके कपड़े हैं उन सबको फोल्ड कर दीजिए। अब देखिए होता क्या है, फोल्ड कर देने मात्र से ही आपकी अलमीरा सेट नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन हाँ आइडियाज हर किसी के पास नहीं होते हैं। मैंने ये एक इजी सा आइडिया निकाला है और मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मे बी आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे जो भी कपड़े होते हैं ना, उन सबको एक अलग उनका सेक्शन बना देती हूँ। जैसे कि जितनी भी ड्राई शीट हैं, गद्दी हैं, वो सब एक साथ रख देनी। जितने भी इसके अंडरगारमेंट्स हैं वो सब एक साथ रखना। जितने भी इसके रुमाल हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ रुमाल भी बहुत ज़रूरी हैं, जितनी बिप्स हैं वो सब एक सेक्शन में रखना। तो इस तरह से सारे कपड़ों को अलग अलग करके फोल्ड कर दीजिए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी ड्राई शीट हैं और गद्दी हैं, इन सबको मैंने एक लेयर लगा कर रखा हुआ है। उसके बाद जितने भी इसके सेट हैं उनको मैंने, मींस जिसकी टी शर्ट और पैंट साथ में हैं वो मैंने एक साथ लगा कर रखे हुए हैं। जो इसके सॉक्स हैं वो एक साथ रखे हैं। जो इसके छोटे छोटे से कच्छे हैं, चड्डी हैं, वो सब एक साथ रखे हैं। पजामियाँ एक साथ रखी हैं। उसके बाद जो फुल टी शर्ट्स हैं वो अलग रखी हैं। हाफ टी शर्ट्स अलग रखी हैं। फिर इसके कुछ क्लोथ डाइपर्स हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं ये स्काई ब्लू कलर में हैं, और एक दो इसकी टी शर्ट्स हैं जो ये डेली वेयर में पहनती है। तो इस तरह से मीन्स आप देख सकते हैं एक बच्चे के कितने सारे कपड़े होते हैं, उनको अलग अलग सेक्शंस में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उनको सर्च करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जो क्लोथ्स हैं ये इसके मतलब अगर मार्केट वगैरह जाना है तो उसके हिसाब से हैं। ये जितनी भी हैं ये इसकी बिब्स हैं, रुमाल हैं जो एक साथ रखे गए हैं। तो इस तरह से मैंने इनको सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब अच्छा, अगर आप इनको इस तरह से अलमीरा में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका स्पेस लगने वाला है, जो हर किसी के पास होता नहीं है। तो उसके लिए अगेन एक और छोटी सी ट्रिक है, जब घर में बच्चे आते हैं तो गिफ्ट्स भी बहुत सारे आते हैं और आप ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत सारी करते हैं, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग के कार्टन्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिनमें बच्चों के कपड़े रख कर आते हैं जिन बॉक्सेस में, उन बॉक्सेस को आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
मीन्स आपको क्या करना है, ये जो खाली डिब्बे हैं इसमें आप कपड़ों को लगा दीजिए, कुछ इस तरह से सेट कीजिए। पहले इसके नीचे कुछ पेपर वगैरह लगा लीजिए और उसके बाद कपड़ों को लगाना स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे से होते हैं तो एक बॉक्स के अंदर आप चार सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस वाले बॉक्स में जितनी भी इसकी चड्डी थी, छोटे छोटे से कच्छे थे, जितनी भी पजामी थी वो सब रखी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर रख रही हूँ कुछ फुल टी शर्ट्स, क्योंकि जब गर्मियों के टाइम पर हम बच्चे को एसी में सुलाते हैं तो उसको फुल टी शर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए गर्मियों के समय भी फुल टी शर्ट्स का यूज़ होता है। तो एक बॉक्स मेरा इस तरह से तैयार हुआ। नेक्स्ट बॉक्स में मैं रखने वाली हूँ इसके कुछ आने जाने वाले कपड़े। तो ये जैसे कि शाम को घूमने के लिए गई या फिर मार्केट वगैरह जाती है तब मैं इन वाले क्लोथ्स का यूज़ करती हूँ। तो उधर की साइड रखे हैं मैंने सारे फुल वाले, मींस जिसमें पैंट और टी शर्ट है, और इधर की साइड जितने भी इसके फ्रॉक्स हैं वो मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं थर्ड सेक्शन में। और फोर्थ सेक्शन में मैं यहाँ पर रख रही हूँ इसके जितने भी बिब्स हैं और रुमाल हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में बिब्स और रुमाल की ज़रूरत भी पड़ती ही है। दिन में 2 से 3 रुमाल यूज़ हो ही जाते हैं, और बच्चे को अगर आप लोगों ने ऊपर का सॉलिड खिलाना स्टार्ट कर दिया है तो बिब भी आपके यूज़ में आने वाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 8 तरह के कपड़े मैं यहाँ पर केवल 2 डिब्बों में रख चुकी हूँ। नेक्स्ट वाले में हम रख रहे हैं इसके कुछ स्कर्ट्स, उसकी टी शर्ट्स, उसके साथ ही साथ जो इसके क्लोथ डायपर हैं वो मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं, और साथ ही में जो क्लोथ डायपर के पैड्स हैं वो भी मैं यहाँ पर रख दूँगी, और कुछ हाफ टी शर्ट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं अभी तक इतने सारे सामान जो केवल 2 से 3 बॉक्सेस में आकर तैयार हो गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। अभी आगे मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसे अपनी अलमीरा में किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है। अब बात आती है कि कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं हमारे घर में कि जो अब बच्चे के छोटे हो चुके होते हैं, तो उनको भी आप अलग कर दीजिए, ऐसा ना हो कि वो इन्हीं कपड़ों में मिक्स होते रहें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज़ का एक अलग सेक्शन है, मीन्स अगर आपको किसी से बोलना भी है कि मेरे को पजामी उठाकर दे दो बच्चे की या फिर टी शर्ट उठाकर दे दो, तो सब चीज़ों का एक अलग सेक्शन है। कोई भी अंधेरे में भी मतलब उसको पता है कि हाँ ये वाला जो पूरी जो कॉलम है उसके अंदर सारे फुल स्लीव्स के ही कपड़े हैं, जो ये वाला कॉलम है उसमें केवल पजामी पजामी ही हैं, और इससे आपको पता भी चल जाता है। जैसे आपने यहाँ से उठाई पजामी तो जैसे ये सेक्शन ख़त्म होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ पजामी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को भी आपको सारे कपड़ों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इजीली ये चीज़ देख सकते हैं कि कितने कपड़े अभी वॉश होने के लिए पड़े हैं और कितने मेरे पास अवेलेबल हैं आगे यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये सारे कपड़े अरेंज किए। अब जितने भी इसके छोटे हो चुके थे अभी तक के कपड़े वो मैंने एक अलग बॉक्स में रख दिए हैं, ताकि वो इन सब कपड़ों के साथ में ना मिले और मेरा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास बेबी गर्ल है तो आपके पास उसके हेयर बैंड्स भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि हर मॉमी को शौक होता है कि अपने बच्चे को उसके मैचिंग के हेयर बैंड्स लगाएं। तो मैंने भी इसके इतने सारे हेयर बैंड्स कलेक्ट किए हुए हैं। अब ये भी मतलब मिस ना हो जाएं, इधर से उधर ना खो जाएं, तो इसके लिए मैंने एक अलग बॉक्स बना दिया है, उसमें सारे हेयर बैंड्स रखे हैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसी बॉक्स को खोल लेती हूँ और जो इसके मैचिंग का होता है वो मेरे को मिल जाता है, और मुझे पता भी चल जाता है कि मेरे पास कौन कौन से हेयर बैंड्स हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह हम अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, मींस आसानी से मिल जाते हैं, और इनको ऑर्गेनाइज़ करना भी कितना आसान था। अब देखिए केवल इतना सा ये सेक्शन है जिसके अंदर मैं इतने सारे कपड़े सेट करने वाली हूँ, तो ये तरीका भी आप देख लीजिए। अच्छा, मैं ये जो अलमीरा है ना आप जो देख रहे हैं ये बड़े ही काम की चीज़ है। अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो इस तरह की एक अलमीरा तो आप ज़रूर खरीद ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका एक पूरा रिव्यू करूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ों को किस तरह से अरेंज किया है। अगर आप चाहें तो इसको बंद करके भी रख सकते हैं बॉक्स को, अदरवाइज़ आप इसको खोल कर भी रख सकते हैं। तो ये वो क्लोथ्स हैं जो जनरली शाम के टाइम मेरे काम में आते हैं, मीन्स रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं, क्योंकि घूमने जाना है तो बच्चा शाम को ही जाएगा, लेकिन पजामी कच्छे ये बच्चे को पूरे टाइम चाहिए ही होते हैं, इसलिए वो वाला सेक्शन मैं ऊपर खोल के रखूँगी। बाकी ये सारे बॉक्सेस मैं यहाँ पर बंद करके रख दूँगी ताकि कपड़ों में धूल भी ना जाए और हमारे सारे कपड़े ऑर्गेनाइज भी रहें। तो ये दोनों सेक्शन मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए। उसके बाद जो ये वाला बॉक्स था, अगर आपके पास और कहीं स्पेस है तो आप फिलहाल इस बॉक्स को कहीं और भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे अनयूज्ड कपड़े हैं। अदरवाइज़ आप इसी सेक्शन में रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन से कपड़े अनयूज्ड हैं, और आप इजीली जो इन कपड़ों में से छोटे होने वाले हैं वो यहाँ पर
डाल सकें। अब हेयरबैंड भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और ये है लास्ट वाला जिसमें रखे हैं पजामी कच्छे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं। मीन्स बच्चे ने अभी सुसु पॉटी कर ली, तुरंत चेंज करने के लिए चाहिए तो वो ईजिली एक्सेसिबल हो, इसलिए मैंने वो खोल कर रखा है वो वाला बॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सेक्शन बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज हो गया। आपको कोई भी सामान चाहिए बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो मीन्स आप अपने कपड़ों को इस तरह से बहुत ही आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। हर चीज़ आपको समझ में भी आएगी, कितने कपड़े मेरे पास अवेलेबल हैं, कितने मेरे पास धुलने के लिए पड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ मुझे लिखने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए।